बघा तिकडे चेक करा सगळीकडे. कांबळे चेक करा सगळा एरिया. मोरे काही सापडते का? कोल्हापूर में 4 महीने में 7 गैंगरेप और मर्डर के केस के मामले सामने आए हैं. गुनेगार खुलेआम घूम रहे हैं. पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में नाकाम है. सर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दे. नहीं नहीं पाटिल, ये केस आप क्राइम ब्रांच को दिया है, वही लोग देखेंगे. उनके आ गए वो लोग. चल सर 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 ये क्या 8वां गैंगरेप और मर्डर का मामला है? क्या अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है? इस बारे में आपका क्या कहना है? सब कुछ तो आप कह चुकी, हम क्या कहेंगे? हमें सिर्फ अभी छानबीन करनी थी. थैंक यू. सर डिपार्टमेंट में से किसी ने इन्फॉर्म किया होगा? वो हमारे लिए काम करता है, मीडिया के लिए काम करता है. अभी मीडिया बड़ा चढ़ा के बोलेगी सब. सर गए सर. बोलो सर. इस लड़की के बॉडी पे कपड़े नहीं थे, नेकेड. सर लगता है मर्डर से पहले रेप हुआ है. सर काटा गया है. हमने पूरा एरिया चेक किया, सर कहीं पे भी नहीं मिला. शायद ये लड़की की पहचान ना हो इसलिए सर काट के दूसरी जगह फेंक दिया होगा. परफ्यूम किसने लगाया? परफ्यूम मारा तुमने? नहीं सर, परफ्यूम मैंने लगाया. वो क्या है ना, मेरी बीवी मायके गई है और कपड़े धुले हुए नहीं थे तो कपड़ों में बदबू ना, इसलिए मैं थोड़ा सा. थोड़ा नहाए हो क्या? छिड़के बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है. लगता है 2-3 दिन पहले मर्डर हुआ है. ये टैटू देखा. एक काम करो शेर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में जरा पूछताछ करो. 2-3 दिन पहले किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट है क्या, जिसके हाथ में टैटू है? फिलहाल तो ये टैटू ये लड़की की पहचान दिला सकते हैं. तुमच्या पोलीस स्टेशन मधून आम्ही कामकाज करू. सर सर अभी अभी एक खबर आई है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है. शायद उसी से इसकी पहचान हो जाए. उठो. सर इसको देख के लग रहा है कि ये आग से नहीं एसिड से जला है. मुझे लगता है अभी जो आपने बॉडी मिली ना उसका ये सर होगा. ये भी तो हो सकता है कि किसी और बॉडी का सर हो, इसकी बॉडी को कहीं और डिस्पोज किया. डीएनए टेस्ट को भेज दो, तभी पता चलेगा उस बॉडी का ये सर या दूसरे बॉडी का. सर मर्डर स्पॉट पे जहां वो टैटू वाली डेड बॉडी मिली थी वहां से कुछ ही दूर पर एक लावारिस स्कूटर मिली है सर. किसकी पता चला? सर वो जिसके नाम रजिस्टर्ड है, हमारी एक टीम उससे घर पूछताछ करने गई थी लेकिन वो गायब है सर. कहीं लाश को डंप करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया? छोड़ के क्यों गया होगा वो? सर दरअसल उसकी बैटरी डाउन है, हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट ना हुई हो और वो उसे जल्दबाजी में वहां छोड़कर चला गया. वैसे सर ये कोटी नगर पुलिस स्टेशन से इन 2 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट आई है. सर इन दोनों लड़कियों के हाथ में ठीक वैसा ही टैटू है जैसा कि उस डेड बॉडी में था जो हमें जंगल में मिली थी, और इस फाइल में उन लड़कियों की बाकी की डिटेल्स भी हैं. एरिया का नाम क्या बताया? कुर्डी नगर. ये चॉकलेट तुम दोनों की दिए. आई खाना बनो. हाँ ये देख डब्बा भर रही हूँ, जल्दी करो. आई 5 तारीख हो गई, पगार नहीं मिली तेरी. अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, पगार कहाँ है? पगार किधर है तेरी? सारा खर्चा मैं चलाती हूँ तो आपको पगार क्यों दूँ? पैसे निकाल, पैसे दे. देती हूँ ये लो. कारखाने से सीधा घर आया कर, समझी? तेरा इधर उधर भटकना सब कुछ बंद. आप बोलो तो मैं जाऊं ही ना.
इधर ही गले में पट्टा बांधकर घर में बिठा के रखू। हाँ जरूरत पड़ी ना तो वो भी करूँगा समझे। हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए सुबह सुबह। अच्छा है, सारे कानून बेटी को सिखाओ, बेटा चाहे पूरे शहर में आकर गिरती करता रहे वो चलेगा आपको। सुमन क्या ये हा? तेरे और बाबा के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रही है तू? और वैसे भी सुमन तेरे जैसा लफड़ा नहीं है मेरा बार, समझे ना। मेरा कोई लफड़ा नहीं है, प्यार करती हूँ मैं उससे। देखा बेशरम की तरह बाप के सामने बात कर रही है। अरे ऐसे दो उल्टी हाथ की रख दूँ ना तो तेरा प्यार और सब धरा का धरा रह जाएगा, समझे। शांत हो जाओ तुम दोनों, क्या सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली लगा रखी है। तुम अंदर जाओ, पहले जाओ आप अंदर, याद रखना। सुमन ये ले, मैं तेरा टिफिन लेके आ रही हूँ। मेरा टिफिन भाई, क्या है ये? किस तरह से कपड़े पहने हैं तूने? तू जास्ती बोलू नको, हाँ अपना काम पे ध्यान दे। और टिफिन नहीं है आज तो खाना बाहर से ही खा के आना। ये क्या माप सिया है? इतना टाइट है कि पहनो तो दम घुटता है। टाइट हो गया? माप तो ठीक से लिया था मैंने। तो टाइट कैसे हो गया? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ध्यान तो हमेशा तुम पर ही रहता है मेरा। पता नहीं इस बार क्या हुआ। चलो ठीक है, और एक बार माप लेते हैं। घुमो 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 घुमो, जल्दी बना वीडियो। चांदी है साले का, क्या मस्त किस्मत पाया। यहाँ नहीं, सही में माप लेना है तो अंदर चल। टिफिन टाइम पे खा लेना बेटा। सुधा तू अचानक? अरे अचानक नहीं आई, शादी में तुम लोग ने जितना दहेज में सोना देने का वादा किया था उतना नहीं दिया, तो उसकी वजह से मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। इस बार तो उसने कह दिया कि सोना नहीं लाई अपने साथ। तो क्या तेरा हिस्सा तुझे दे चुके हैं हम लोग, अब जो कुछ भी बचा है वो सुमन का है, सब तुझे देंगे तो इसकी शादी में क्या देंगे हम लोग? बाबा अभी इसकी शादी नहीं हुई है और इसके लिए आप मेरा घर बर्बाद करेंगे। बाबा ताई को कहने दे दो, मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं अपनी शादी इसे दहेज देकर नहीं करूंगी। सुमन तेरे अलावा मेरी और एक बेटी है, मीनू की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, वो सब भी देखना है मुझे। बाबा आपको मेरे अलावा सबकी चिंता है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मार दो ना इसे, मारना है तो। जैसे तू और ये सुमन बात करती है ना, एक दिन सच में मार दूंगा। एकदम फटाफट, एकदम बढ़िया होना चाहिए, जल्दी करो रे। सुमन तेरे ऊपर ये रंग बहुत जच रहा है, कमाल लग रही है, तू ऐसा कुछ पहन के आ रोज? क्या बोलूं यार, आई की वजह से बहुत बेइज्जती होती है मेरी, पता है लोग क्या क्या बोलते हैं मेरे को। बाबा के मरने के बाद से ना आई बिल्कुल बदल गई है, उसका रहन सहन, कपड़े, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कैसा है पिंटू? ठीक हूँ। चल चल बैठते हैं। चल मैं तुझे बादला मिलती। आ गई बेटा तू, जा मुंह हाथ धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। अरे सुमन सुन, ये फोटो देख, दो दिन बाद ये लड़का तुझे देखने आने वाला है, अच्छे से तैयार होना। सही है बाबा, आप मेरा घर बचाने के बजाय इसका घर बसाने की सोच रहे, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में। सुधा चुप बैठना बेटा। बाबा मैंने पहले ही बोला है, मैं सिर्फ पिंटू से शादी करूंगी, उसके अलावा मैं क्या पिंटू पिंटू करी है तू? तुझे सब कुछ इतना आसान लगता है? अरे दूसरी जात वाला है वो, खाली घुमा रहा है तुझे। और हाँ, अगर तूने उससे शादी की ना तो वो लोग हमारी सारी बस्ती को जला देंगे। बाबा ये जात बिरादरी सब पुरानी बातें,
और सब आपकी तरह नहीं सोचते। मैंने बोल दिया मैं पिंटू से शादी करूंगी, मतलब सिर्फ उसी से करूंगी। और तू ऐसे क्या देख रहा है? कम से कम तू तो बहन के बारे में सोच। देख, बाप हूं इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। अगर तूने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। तू चुप बैठना, जा तू अंदर जा, जा। मुझे समझ आएगी। आई आई कहीं सालो, आज दिन में कहाँ गई थी तू? जहां भी गई थी, तुझे इससे क्या? आई देख, तू अपना बर्ताव सुधार और कपड़े पहनने का ढंग भी। आई गांव है ये, शहर नहीं है, जो तू ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी। सारी जिंदगी निकल गई तेरे और तेरे बाप के हिसाब से जिंदगी काटने में। अभी मेरे मन में जो आएगा ना मैं वो ही करूंगी, तू बीच में मत। कर रही तू? अपने घर में चोरी कर रही है तू? इतना समझा या तुझे तेरे दिमाग में जाता नहीं कुछ? निकाल गहने, निकाल अभी। क्या भी निकाल, बोला ना गहने। वाह, मेरा आदमी रोज गहनों के लिए मुझे मारता है और आप हमें बातें सुना रहे हो। ऐसे मैं करूं तो करूं क्या? जाऊं तो जाऊंगा। पापा प्लीज गहने ताई को दे दो। ए तू चुप बैठ रहा, तू तुझे जहां जाना है ना जा। हमने तेरी शादी कर दी, हमारा फर्ज खत्म हो गया, तेरा इस घर से कोई रास्ता नहीं अभी। दीपक जा स्टेशन पर छोड़ के आ, इस चोर की जरूरत नहीं अब इस घर में। पनीकर को क्या कर दे? कोई जरूरत ही छोड़ने जाने की, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या पिंटू, पिंटू हमें आज ही कुछ करना होगा। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, पापा मेरी सुनने को तैयार नहीं है। वो पक्का मेरी शादी उसे करा देंगे। पिंटू क्या हुआ, कुछ तो बोल। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की पर आप नहीं माने, इसलिए मैं घर छोड़कर पिंटू के साथ जा रही हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। सुनो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। अब मेरी सुमन मुझे वापस लाके दो, कुछ भी करो तो मेरी सुमन वापस लाके दो। सुधा के पति का फोन? हेलो, क्या मतलब सुधा घर पर नहीं है? सुधा भी घर पर नहीं है सर। एक ही दिन में एक ही घर की दो लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है और दोनों लड़कियों के हाथ में ठीक सेम डिस्क्रिप्शन का टैटू है। सुमन अपने बॉयफ्रेंड पिंटू के साथ शादी करने के लिए घर से भागी थी, जबकि सुबह के ससुराल में दहेज को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। वो अपने मायके से लड़ाई करके मायके से ससुराल की तरफ गई, लेकिन ससुराल पहुंची नहीं। सर मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों का मर्डर हुआ है। एक काम करो शिरके, पिंटू को उठा के ला और लड़की के माँ बाप को उसके बॉडी के पहचान के लिए लिखिया। देखो हम चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि एसिड से पूरी तरह जल चुका है, और ये भी कंफर्म नहीं बता सकते कि उसका सर और बॉडी एक ही इंसान की है।
हाथ की गुदाई देख के आप पहचान सकती हो। ये वही गोदन है साहब, मगर हम लोग कैसे बताएं? ये हमारी सुमन है कि सुधा, दोनों के उल्टे हाथ पे तो गोदन गुदवाया था मैंने। मुझे मेरी बेटी वापस लाके दो। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है साहब। हमारी वजह से? साहब अब जल्दी मेरी बेटी को ढूंढिए साहब। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, शादी करके दो चार दिनों में वापस आ जाएगी वो। हमने एक नहीं 50 केसेस देखे हैं, बेकार में पूरा शहर शांति फिरते हैं। और हाँ, रही तेरी बड़ी बेटी की बात, तो उसका तो दहेज का मामला है ना, अभी इसी वक्त तुझे दहेज देने के जुर्म में अंदर कर सकता हूँ मैं। ये क्या बात कर रहे हैं साहब आप? यह मेरी बेटियां गायब हुई है और आप उनको ढूंढने के बदले मुझे अंदर करने की बात कर रहे हैं। आवाज नीचे। आदित्य जी, अरे मुंबई में है ना मेट्रो का काम बड़ा जोर शोर से चल रहा है, कितना अच्छा होता ना कोल्हापुर में मेट्रो आती तो। इनमें से कौन था? ये थे साहब। इनकी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तुमने ली थी? वो सर कहाँ ढूंढा? सर मुझे लगा फैमिली मैटर है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इसलिए। लोग हमारे पास किस उम्मीद से आते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे? तुम्हारे जैसे कुछ लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों की गाली खानी पड़ती है हमें। तुम्हारी ये लापरवाही की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती मालूम है तुम्हें? अगर वक्त पे उसे ढूंढते तो शायद आज बच जाती। इसकी रिपोर्ट करो ऊपर, दिमाग ठिकाने आएगा इसका। सर सर वो चलो। पुलिस हो या समाज, महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता उन पर बढ़ते क्राइम्स को और बढ़ावा देती है। एक हवलदार के केस को लाइटली लेने से एक मिसिंग केस एक गैंगरेप और मर्डर में तब्दील हो गया था, जिसने पुलिस और प्रशासन को जनता और मीडिया के सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं था। इस केस को लेकर पुलिस के सामने भी अनगिनत सवाल थे और उनमें से एक सवाल था कि जंगल में मिली हुई लाश आखिरकार किसकी थी, सुधा की या उसकी बहन सुमन की? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का ही खून हुआ था? और इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी, सिर्फ वैशी हवस या फिर कोई जाति दुश्मनी? क्या बताया आपको, क्या सुनने चाहते आप लोग? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि जो मर गई वो हमारी बेटी सुधा है या सुमन। एक को ससुराल वाले मारते थे और दूसरे को दूसरी जात वाले, पिंटू ने पहला फुस लगाकर फंसा लिया। ये दूसरी जात वाले हमेशा हमेशा हमारे साथ यही करते हैं, पहले हमारी बेटियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। शेर के आदमी इस केस को जाति का रंग क्यों दे रहा? हम राम भाऊ के साथ है, जिसने भी ये कुकर्म किया है उसको हम चांद से मारेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। सर और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हम आपको कुछ बोलिए, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। सर पिंटू फरार है, हम उसके घर गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं है। अगर बॉडी सुमन की है तो फरार ही होगा, और अगर बॉडी सुधा की है तो अपने घर वालों से डर के कहीं छुपा होगा। सुधा के ससुराल से कुछ पता चला? सर सुधा के ससुराल वालों का कहना है कि वो घर आई नहीं, हालांकि उसके ससुराल वालों के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा। क्यों? सर एक्चुअली किसी पेशेंट के रिश्तेदार ने किसी डॉक्टर को पीट दिया है, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। सर जब वो हड़ताल खत्म होगी उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी। शिरके अगर ये गैंगरेप का केस निकला तो इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, पर ऐसे हालात में कोई अनजान आदमी भी हो सकता है। एक काम करो, ये सुमन के घर के आसपास पूछताछ करो, जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी वहां भी पूछताछ करो, कोई सस्पिशियस आदमी लगे पूछ लो त्याला। ठीक है सर। साहब आवारा और फालतू टाइप के लड़के हैं यहाँ, हमेशा यहीं बैठे रहते हैं और यहाँ से जो भी औरतें या लड़कियां जाती हैं उन्हें छेड़ते रहते हैं, और जो लड़की थी ना सुमन जिसका मर्डर हुआ था उसे भी छेड़ते रहते थे। ए, शर्त लगा दो 500 गया, वो जो लड़की है ना हाँ, उसको खाली छू के आने का आ सकता है? सिर्फ टच करना है ना? सिर्फ टच कर दिखा दी। हाँ चल के दिखा, आता हूँ टच कर। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी जानबूझकर नहीं किया, पैर मुड़ गया था ना मेरा। दिखाओ तुझे।
सुमन चलो यहाँ से। अरे चल दे। अरे जीता भाई, अरे देना यार, चाय पिलाऊंगा यार सबको। क्या मस्त है यार। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, साथ चलूं क्या तेरे? मेरे साथ जल की चढ़ता है। सामने साहब, सामने साहब, सामने लगने के साहब, साहब। दुनिया भर का गंद भरा पड़ा इनके फोन में, गांव की औरतों के, लड़कियों के, छुपकर वीडियो बनाए इनने। कैसे रे तुम? आज के दिन से कभी किसी लड़की को छेड़ेगी नहीं, गलती हो गया। गलती नहीं हुई, अगर इस केस में तुम्हारा हाथ निकला ना तो पता है ना जेल में रेपिस्ट के साथ क्या करते? ये डंडा यहाँ पैर पे नहीं गिरता है, कहीं और गिरता है, समझे ना? सिर के सर, सुमन और सुधा जिस दिन से गायब हो गई उस दिन से लेकर बॉडी मिलने के दिन तक इन चारों के मोबाइल लोकेशन चेक कर। सर, सुमन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। सर बहुत कुछ है इस डिटेल्स में। 20 फरवरी को सुमन का फोन कुरडी के जंगल वाले एरिया में स्विच ऑफ हुआ था, जहां में उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। और सबसे अजीब बात कि 16 फरवरी को सुमन ने अपने फादर को फोन किया। और सर 17 फरवरी से 20 फरवरी तक उसके फोन की लोकेशन कुरडी के जंगल वाले एरिया में उसके घर के आसपास दिखा रही है। जबकि सर उसके फादर रामदास का कहना है कि सुमन 15 फरवरी की रात से घर से गायब है, उसके बाद ना तो उन्होंने उसे देखा और ना ही बात की। इसका मतलब मर्डर होने से पहले सुमन अपने घर पे या घर के आसपास ही थी। ये रामदास ने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि सर हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला, रामदास ने जात बिरादरी के चलते खुद ही सुमन का मर्डर किया। अगर ये ऑनर किलिंग का मामला है तो एक गैंग रेप नहीं है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिंटू भगाकर सुमन को अपने घर ले गया हो और वहाँ छिपा कर रखा हो, और सर घर में ले जाने के बाद शायद उसके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया हो, घर वालों ने गुस्से में आकर उसका मर्डर और रेप कर दिया हो बदला लेने के लिए? सर पॉसिबल है। सर वैसे मैंने सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। सुमन पिंटू के अलावा एक और लड़के से बात करती थी, कमलेश नाम है उसका, उसका एड्रेस भी मिल गया है। गुड। अजय सुधा के बारे में कुछ पता चला? सर सुधा के बारे में ऐसा कुछ खास तो पता नहीं है। हाँ, जब से वो गायब हुई है उसका फोन स्विच ऑफ स्विच ऑन हो रहा है। एक काम करो, सुमन का फोन आखिरी बार जहाँ स्विच ऑफ हुआ वो एरिया में अपने एक टीम को भेज दो और देखो मोबाइल मिलता है क्या। रानी मैडम आप एक काम करो, सुधा का फोन लोकेशन ट्रेस करो और आखिरी वक्त तो जहाँ स्विच ऑफ हुआ उस एरिया में जाके देखो। तब तक हम कमलेश से पूछताछ करते हैं और सुमन के माँ बाप से भी पूछताछ कर दे कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। ओके सर। लोकेशन के हिसाब से तो इधर ही दिखा रहा है, शायद इस घर में। आओ देखते हैं। आप सुधा को जानती हैं? जी जी नहीं। तो फिर उसका फोन आपके घर पे क्या कर रहा है? चोरी किया है? कावड़े चेक करना जरा। मीनाक्षी कौन है? मैडम मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं। मायके से भी कोई खास मदद नहीं मिली, तभी उसी रात को मैं वहां से निकल गई। किसी को मेरी कुछ नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन सबसे दूर चली जाऊंगी, तभी उनको मेरी कीमत समझ आएगी। इसलिए मैं अपनी सहेली के पास आ गई। हेलो सर, सुधा जिंदा है, अपनी सहेली के घर पे है मोरेबाड़ी में। सुधा जिंदा है इसका मतलब वो लाश सुमन की। अब क्या बोलूं साहब, सुमन बहुत अच्छी लड़की थी, वो पिंटू से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। क्या बोलूं यार, आई की वजह से बहुत बेइज्जती होती है मेरी, पता है लोग क्या क्या बोलते हैं मेरे को? बाबा के मरने के बाद से ना आई बिल्कुल बदल गई है, उसका रहन सहन, कपड़े, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कैसा है पिंटू? ठीक हूँ। चल चल बैठते हैं। चल मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। घर वाले नहीं माने और उन्होंने लड़के वालों से पैसा लेकर उसका रिश्ता जबरदस्ती वहां पक्का कर दिया। कमलेश मैं बाहर जा रही हूँ, 2-3 घंटे बाद आऊंगी।
साहब आप, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो अब घबरा क्यों रही है? हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं उसके साथ। तुम्हें क्या लगता है सुमन के परिवार वालों ने उसे मारा होगा? साहब सुमन अपने परिवार के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, पर वो उसका मर्डर करेंगे बता नहीं सकता। अब मुझे लगता है फैक्ट्री मैनेजर शंकर ने यह काम किया हो। शंकर क्यों मारेगा उसे? अरे ये क्या हुआ है? क्या करंट मार रही तू? मार मुझे, मार मारना, मार मुझे। एक बार तेरे बाप को मैं पैसा देता हूं, फिर देखता हूं तुझे। क्या दिख रही, क्या दिख रही? तुझे पता नहीं तेरा बाप शादी के नाम पे लड़के वालों से 5 लाख रुपए ले रहा है। कितना? 5 लाख। मैं गया था उसके पास, मुझे बोला 6 लाख रुपए। मैं बोला दूंगा, एक एक रुपया जमा करूंगा, लेकिन दूंगा और तेरे साथ शादी करूंगा। साहब बस सुमन ही नहीं, फैक्ट्री की बहुत सारी लड़कियां उससे परेशान थी। क्या करे बेचारी, पैसों के लिए नौकरी करनी पड़ती है, झेलना पड़ता है ऐसे कमीने लोगों को। बॉडी सुमन की है। अच्छा, सुमन के घर से बाहर जाने के बाद उसने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? घर पे आई थी या उन्होंने फोन किया था? नहीं साहब, मतलब मैंने तो उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो घर से भागी थी। लेकिन दाई तो, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? इसे अंदर लेके जाओ, जाओ जाओ जाओ, लेके जाओ सब। छोटा बच्चा है ना साहब। लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से 17 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में वो तुम्हारी गांव में, कुरडी गांव में थी। इतना ही नहीं, कॉल ड्यूरेशन के हिसाब से उन्होंने 16 तारीख को आपसे बात की थी। मैंने तो बस 15 तारीख को उसे देखा था उसके बाद। और साहब जो मर गई वो मेरी बेटी है, जिसने उसके साथ ये किया, आप उसको पकड़ने की वजह क्या? साहब इनको परेशान करने के बदले खूनी को पकड़ो ना आप। इनको क्यों बोल रहे आप? पिंटू को ढूंढ लो, उसने सब वो सुमन के साथ किया है। पहले प्यार का नाटक किया, बाद में इस्तेमाल कर दिया। ये दूसरे जाति वाले ऐसे रहते, उनको क्यों परेशान करे आप? जिस फैक्ट्री में सुमन काम करती थी ना, उसका मैं मैनेजर हूँ, शंकर। अरे शंकर है ये, वही शंकर है ना तू? नाम भगवान का, काम दानव का। शर्म नहीं आती तेरे को? लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता है, उनको तकलीफ देता है, अभी क्या इधर सिंपथी जताने आया है? कुछ नहीं, चल ये देना, ये चल। बाबा तुझे क्या करतो इस लगा? अरे बेटा कैसे हो? अरे बाल तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा हमें कुछ बात पूछनी है आपसे, बात करोगे? जी तो पापा ने बोलने के लिए मना किया है। अच्छा चॉकलेट खाओगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम सुमन दाई के बारे में कुछ बोलना चाहते थे, क्या बोल रहे थे? अच्छा ये बात तो तुम्हें पता है कि सुमन दाई को मारा गया है, अब जिसने मारा है उसको तो पकड़ना चाहिए, उसे सजा कौन दिलाएगा? पुलिस वाले अंकल, तुम्हें बताना पड़ेगा ना। अंकल ताई जिस दिन भाग गई थी उसके अगले दिन ताई ने बाबा को फोन किया था। सुमन बेटा, बाबा बोल रहा हूँ। बेटा मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ बेटा, मुझे तेरा रिश्ता जबरदस्ती पक्का नहीं करना चाहिए था। माफ कर दे अपने बाबा को। देख सुमन वापस आ जा, तू भी चली गई और उधर सुधा भी गायब हो गई है, पुलिस में कंप्लेंट देनी पड़ी। बेटा बेटा देख, हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटा वापस आ जा, मैं खुद वादा करता हूँ। अगले महीने पिंटू से मैं खुद तेरा लगन करवाऊंगा बेटा। ठीक है बाबा, मैं आ रही। अगले दिन ताई
वापिस भी आ गई थी घर। आई आई सुमन, सुमन अरे कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी, कितना परेशान हो गई थी मैं। हमें यही पता लगाना था। क्या हुआ बेटा, किसने मारा आपको, आप क्यों रो रहे हो, बोलो क्या हुआ। अरे उनसे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो पुलिस वाले गरीब लोगों के साथ क्या खेल खेलते हैं, पता है। आप लोग ये देखो, उन्होंने हमारे बच्चों को डरा धमका कर उनसे झूठा बयान ले लिया। हाँ बेटा जीतू, बताओ बताओ इन लोगों को बताओ। पुलिस अंकल ने कहा था कि वो मुझे जेल में डाल देंगे अगर मैंने ऐसा नहीं बोला, पापा ने ताई को मारा था। और पुलिस वाले अंकल ने कहा था अगर हम ऐसा बोलेंगे तो वो हमें इनाम भी देंगे, है ना जीतू। देखा देखा आप लोगों ने, ये है पुलिस का इंसाफ। सर नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है सर, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है उसके साथ सर, कानून के दायरे में रह के हम पूछताछ कर रहे हैं। जी सर, सर 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 कमाल है यार, हर बात की सफाई देनी पड़ती है। अब सुमन को न्याय दिलाने का ही काम कर रहे हैं ना हम लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी तक तो नहीं आई सर, और कब तक आएगी कह नहीं सकते, हड़ताल ही खत्म नहीं हुई। एक तरफ मीडिया और सीनियर्स का बढ़ता हुआ प्रेशर और दूसरी तरफ पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों का आक्रोश, पुलिस के हर एक्शन को जज किया जा रहा था। लेकिन पुलिस के प्रयासों से इस केस में एक नया एंगल सामने आया था, ऑनर किलिंग का, और रामदास का झूठ बोलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और इसी बीच पिंटू के ठिकाने का पता चल गया। छुपने का बहुत शौक है ना तुम्हें। पिंटू, पिंटू दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। ए पिंटू, पिंटू पकड़ा से। अरे यार पिंटू कहाँ भाग रहा है तू? मैंने कुछ नहीं कहा साहब, मुझे तो जब मालूम पड़ा कि सुमन मर गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर फिर सब उसका बाप और सब लोग मेरे ऊपर उसके मर्डर का इल्जाम लगाने लग गए साहब, मैं डर गया था साहब, इसके लिए मैं उधर जाके छुपा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं सच ये नहीं है जो तू बोल रहा है, बल्कि सच ये है कि तूने सुमन का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, और अगर तूने नहीं मारा तो डेफिनेटली तेरी फैमिली में से किसी ने मारा। नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब, सुमन तो 17 तारीख को ही अपने घर वापस चली गई थी, मेरा और मेरे घर वालों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हेलो, हाँ एक मिनट सर, कांस्टेबल का फोन है, बोल रहा है कि रामदास के घर में कोई बाहर का आदमी आके झगड़ा कर रहा है, मामला क्या है पता नहीं लेकिन काफी बवाल मचा है वहां पे। उसको लेके आने को बोलो। झगड़ा क्यों कर रहे थे? अरे साहब मेरी बेटी की शादी तय हुई थी सुमन से, रामदास ने दहेज देना तो दूर की बात, उल्टा मेरी लड़की इतनी सुंदर है उसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है, ऐसा बोल के मुझसे ही शगुन में 1,00,000 रुपए लिए थे। अब सुमन नहीं रही इसका दुख मुझे भी है, लेकिन पैसे तो वापस देने चाहिए ना। तुमने जब पैसा दिया तब सुमन थी सामने? जी हाँ साहब, सुमन के सामने ही पैसे दिए थे। ठीक है जाओ शिरके, अबे रामदास का खेल खत्म, उसको दिखाएंगे पुलिस क्या कर सकती है। अरे आप तो सच बता दो इनको, कोई फायदा नहीं है झूठ छुपाने का, इनको सब पता है पहले से। साहब हमारी सुमन घर वापस आई थी। झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? इनका स्वभाव बहुत गर्म है ना साहब, जब वो घर वापस आई ना तभी इन्होंने उसे बहुत मारा था, लेकिन जब उसके खून होने की खबर हमें मिली ना साहब तो हम लोग बहुत डर गए, हमें ऐसा लगा कि आप लोग हम पर शक करेंगे, इसलिए हमने आपसे झूठ बोला। अब ये बात बताओ कि सुमन को आप आखिरी बार कब मिले थे? 20 फरवरी को। हाँ सर, उसी दिन वो अचानक घर से गायब हो गई और फिर वापस नहीं आई। वो सुमन ताई और दीपक भाव ना, वो टेलर की दुकान है ना गणपत भाव, उस तरफ गए थे। मेरे साथ कब गई थी वो? नहीं सॉरी भाव, आपके साथ नहीं, आपके पीछे गई थी। हाँ मतलब मैं गया था वहां पे, लेकिन सच में साहब मुझे नहीं पता था कि सुमन मेरे पीछे आ रही है।
हाँ सर, उस दिन दीपक आया था शर्ट सिलवाने, लेकिन उसके पीछे सुमन को नहीं देखा मैंने। शिरके, अगर सुमन अपने भाई दीपक के पीछे पीछे यहाँ तक आए और बाद में वो दिखाई नहीं दे, तो इसका मतलब ऐसा है कि दीपक ने उसे मारा। लेकिन दीपक क्यों मारेगा? सर, हो सकता है दीपक के पीछे घर से निकलना सुमन का एक इत्तेफाक हो सकता है सुमन किसी और के साथ गई। सर, सुमन की पीएम रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। गुड सर, वो सर और धड़ एक ही इंसान के हैं। मतलब ये बॉडी सुमन की है। राइट सर, रिपोर्ट के मुताबिक सुमन का मर्डर 20 फरवरी की शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बॉडी मर्डर के 3 दिन बाद मिली है सर। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुमन का मर्डर करने के बाद उसके साथ रेप किया गया, लेकिन सर ये गैंग रेप नहीं था। बॉडी को अलग करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक कटर जैसी चीज का इस्तेमाल हुआ। बॉडी में भारी मात्रा में लेवेंडर परफ्यूम और जूट के ट्रेसेस मिले। इसका मतलब बॉडी को बोरी में भरकर जंगल में ठिकाने लगाया गया और बॉडी की बदबू ना इसलिए लेवेंडर परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया। कुटर पहले का पता चला? सर, उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। वो सर वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और सर वो सुनसान इलाका है, कपल्स आते जाते रहते। उसका बैन क्रॉस चेक किया? हाँ सर, उसके एलिबाई पॉजिटिव है। तो फिर एक ही सुराग बचता है, लेवेंडर परफ्यूम। बॉडी की बदबू ना आए इसलिए काफी मात्रा में लेवेंडर परफ्यूम यूज किया गया। फिर के पता करो उस दिन काफी मात्रा में कहां कहां से लेवेंडर परफ्यूम खरीदा गया था। पुलिस ने इत्र, परफ्यूम और हार्डवेयर की दुकानों पर सस्पेक्ट्स की फोटो दिखाकर इंक्वायरी करना शुरू किया। पुलिस ने सभी सस्पेक्ट्स के घर भी तलाशे पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को वो खून लगी बोरी और सुमन का मोबाइल भी बरामद हुआ जिसे फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मोबाइल को देखकर ये बात साफ थी कि उसे जानबूझकर तोड़ा गया है। ऐसा क्या था सुमन के मोबाइल में और क्या इसके लिए सुमन की जान ली गई थी? सर, सुमन के मोबाइल फोन पर जो फिंगरप्रिंट थे फोरेंसिक के हिसाब से ना तो वो पिंटू के हैं, ना शंकर का, ना ही रामदास के। लेकिन सर, जब मैंने सुमन का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला है। सर, मुझे लगता है कि ये वीडियो उसके मर्डर का कारण हो सकता है। लेगा इनको सब, हमें क्यों बुलाया इधर? एक फिल्म दिखानी। फिल्म? फिल्म, हीरो हीरोइन और एक कैरेक्टर उसमें, सपोर्टिंग कैरेक्टर। अभी आता ही होगा। ये लो आ गया सपोर्टिंग एक्टर, तेरा भी परफॉर्मेंस देख ले। ये वीडियो 20 फरवरी को शाम 5 बजे रिकॉर्ड किया गया, सुमन ने किया था और इसलिए तुम तीनों ने मिलकर उसको मार दिया। नहीं साहब, नहीं, मैं सच कह रहा हूं साहब, ये वीडियो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। अगर ये वीडियो मुझे सुमन बताती ना तो मैं उससे माफी मांग लेता ना साहब। ऐसी बात के लिए मैं अपने बहन को क्यों मारूंगा साहब? और साहब, मैं भी कुछ नहीं जानता ये वीडियो के बारे में। और साहब, ये ऐसा वीडियो दिखा के आप हम लोग को फंसा नहीं सकते साहब। ये ऐसा करना कुछ गुनाह नहीं है साहब। इसके लिए हम सुमन का मर्डर थोड़ी ना करेंगे साहब। इसलिए मारा कि अगर ये वीडियो तुम्हारे गांव वाले, घर वाले देखते तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। नहीं साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो विधवा औरत हूँ। मेरे पति के मरने के बाद सहारा ढूंढ रही थी, ये दोनों ने मुझे फंसाया साहब। ये क्या बकवास कर रही है तू? अपने मर्जी से मजे ले रही थी ना, वो बता ना इनको। कैसे कमीने औरत है रे तू, पहले मजे ले आता सती सावित्री साहब आते तू। साहब, हमने सुमन का खून किया, इसका कुछ सबूत तो होगा ना आपके पास में? वह तो दिखाओ ना साहब। सर, मैं आपकी पूरी इंक्वायरी में मदद करूंगी, आपको चाहिए तो आपकी सेवा में भी। इनों को लेके जाओ और सुमन के मोबाइल पे मिले फिंगरप्रिंट और इनके फिंगरप्रिंट मैच करके देखो। लेके जाओ इनको। हेलो, चल रहे। गैंगरेप से शुरू हुआ यह केस पहले रेप और अब अनैतिक संबंधों तक आ पहुंचा था। सुमन के भाई दीपक, कौशल्या और गणपत का शर्मनाक सच अब खुल चुका था। लेकिन सवाल यह था कि सुमन ने आखिर वो वीडियो क्यों शूट किया था, इसके जरिए वो क्या करना चाहती थी, ये अब तक एक राज था। 20 फरवरी जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ और 23 फरवरी जिस दिन सुमन की डेड बॉडी मिली,
इन दोनों तारीखों के बीच सभी सस्पेक्ट्स की एक्टिविटीज को पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन कौशल्या, गणपत, दीपक किसी ने भी परफ्यूम या इलेक्ट्रिक कटर कुछ नहीं खरीदा था। पर पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में पता चला जिसने इस केस को फिर से घुमा दिया। सर, ये आदमी दीपक के बारे में कुछ बताना चाहता है। सर, 20 तारीख को कौशल्य के बेटे कमलेश और सुमन के भाई दीपक में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इस बात का झगड़ा हुआ था साहब, वो उस दिन मैं कौशल्य और गणपत के यहाँ से निकला और काम पे जा रहा था साहब। पता नहीं वो कमलेश बीच में कहाँ से आ गया और आते ही झगड़ा करने लगा साहब। साले, तू मेरे आई के साथ मेरी आई का मजा लेकर आया ना तू? अबे ढीले, पागल हो गया क्या? कुछ भी झूठ मत बोल, मैंने देखा है वीडियो। अबे कौन सा वीडियो? हाँ, और सुन, जहाँ तक तेरे आई का सवाल है ना, ऐसे हजार वीडियो मिलेंगे, वो भी गाँव के हर एक आदमी के मोबाइल में, समझा? शिरके, जिस दिन सुमन ने वो वीडियो बनाया था उसी दिन उस वीडियो को लेकर कमलेश और दीपक के बीच झगड़ा हुआ था। हाँ साहब, मेरे को उस वीडियो के बारे में पता है। उस दिन दीपक से झगड़ा करने से पहले मैं सुमन से मिला था साहब। सुमन बता तो सही, क्या हुआ? सुमन मेरी बात तो सुन, तू गुस्से में क्यों लग रही है? सुमन क्या हुआ? क्योंकि बात ही ऐसी, तुझे पता चलेगा तो तुझे भी गुस्सा आएगा। एक वीडियो है, दिखाओ। ये देख। इस वीडियो को अभी डिलीट कर दो प्लीज। करूंगी, पर अभी नहीं। पहले ये वीडियो मैं दीपक भाव को दिखाऊंगी, और अगर उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और इस जबरदस्ती शादी होने से नहीं रोकी, तो ये वीडियो मैं पूरे घर वालों को दिखा दूंगी। बोलूंगी कि देखो दीपक भाव कैसे गंदे काम करते फिर रहे हैं तेरी आई के साथ। प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दे प्लीज। ठीक है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। पिंटू मेरा फोन नहीं उठा रहा है, उसके पास जाओ और उसे बोल कि सुमन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके बाद पिंटू के पास गया, उसे सुमन से मिलने के लिए मनाया, वो मेरे साथ आया भी था, पर साहब जब हम लोग घर पहुंचे तो सुमन वहां नहीं थी, सुमन गायब थी। पिंटू ने ही सुमन को मारा है, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था साहब। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? घर में ये बात आपको बताता तो मेरी आई की वो वीडियो वाली बात आपके सामने आती साहब। मैं और बदनामी नहीं चाहता था साहब। तो उस दिन पिंटू सुमन से मिला था? नहीं साहब, ये झूठ है साहब। मैं कमलेश से मिला था, लेकिन वो सुमन से मिलने की बात कर रहा था तो मैंने उसे मना कर दिया था। मेरे बाबा ने मुझे धमकी दी थी साहब, उसके बाद मैंने सुमन से सारे संबंध तोड़ लिए थे। जब मैं उससे मिला ही नहीं तो उसे मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तूने सुमन को नहीं मारा ना, फिर कमलेश से मिला था, ये बात क्यों छुपाई? मैं पहले से ही बहुत घबराया हुआ था साहब, मैं भूल गया। अब खाना पीना भी भूल जा। चलो गाइस, गाइस ने हाथ मत दे, चलो बैठ बैठ। सर, इसको भूखा रखने के चक्कर में हम भी भूखे रह जाएंगे, हम तो खाना खा ही लेते हैं। अरे मैंने तो खाना भी नहीं लाया आज। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, 20 मिनट में आ जाएगा। सर बताइए क्या खाएंगे आप? शिरके, मुझे लगता है तुम्हारा प्रमोशन जल्दी होगा। एक काम करो, ये जितने भी सस्पेक्ट है उनमें से किसी ने इलेक्ट्रिक कटर और परफ्यूम ऑनलाइन मंगवाया क्या, देखो जरा। बहुत शाना निकला रहे तू, हाँ? इलेक्ट्रिक कटर और परफ्यूम तूने ऑनलाइन मंगाया, हम यहाँ ढूंढते रह गए, एड़ा बन के हमको घुमाता रहा तू। देख, सुमन के मोबाइल पे तेरे फिंगरप्रिंट मिले, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये भी पता चलेगा रेप तूने किया था, तो अभी सच सच बता। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया सर। सुमन कहाँ है पिंटू? देखो सुमन, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। फोन दे दो सुमन प्लीज। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुमन वीडियो मेरी। सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन 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 वो मोबाइल सुमन छोड़ दे। सुमन फोन क्या किया? ये सब तेरी वजह से हुआ है।
इस पाप में तू भी उतनी ही भागीदार है जितना मैं। और उसके पहले तूने लाश के साथ रेप किया ना। बोल। सर, जिंदगी भर कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, डरपोक बोलते थे, ढीला बोलते थे, पर जब सुमन बेजान होकर फर्श पर गिरी थी तब वो बहुत सुंदर दिख रही थी, तब भी मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने चार्जशीट बनाओ इनके खिलाफ। सुमन एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की थी। ये दुर्भाग्य था उसके जैसी नेकदिल लड़की का कि वो कुछ लालची और बुद्धिजीवी लोगों को अपना मान बैठी। इसलिए चाहे कोई भी हो, विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.